अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक पेस्ट लेकर आया, एक मास्क कह लें इसे, या इसे आप एक क्रीम कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी जो है चिकनी जो है जल्द है, जिनके जो है छोटे छोटे पिंपल निकले हुए हैं, गीली मुहासे हैं, छाइयाँ पड़ी हुई हैं, और दोस्तों पराठे बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उनकी जो है स्किन ऑयली हो चुकी है। तो दोस्तों आप इसे बनाकर डेली यूज़ कीजिएगा, कम से कम आप 7 डेज़ यूज़ करके देखिएगा। तो 7 डेज़ के बाद ही आपके जितने भी कील मुहासे हैं, जितनी भी छाइयाँ दूर हो जाएगी, तो आपकी जिल्द को ये अच्छे तरीके के साथ क्लेंस करता है। तो दोस्तों आपने इसे ज़रूर बनाना है, हाईली रिकमेंड है। तो नेचुरल ये ब्लीचिंग करेगा आपके जो स्किन स्किन की है, स्किन के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक लेयर पैदा करेगा चमक वाली। इसके इस्तेमाल से आपके जितनी भी है स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लटकी हुई है तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, आपकी एज को ये कम करता है। चले दोस्तों इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो दोस्तों ये है फ्रेशली जो मैंने जो है एलोवेरा जेल निकाल के रखा हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है मार्केट वाला जो बना बनाया जेल है वो भी ले सकते हैं, मुख्तलि कंपनीज का मिल जाता होता है। तो लेकिन आपको हाईली रिकमेंड है कि आप कहीं देखिएगा ग्वारगंदर का या एलोवेरा का पेपर पौधा लगा हुआ है, तो वहाँ से आप इसका एक तना ले सकते हैं, एक तना लेके काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। तो ये हम 1 टीस्पून के करीब यूज़ करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर 1/2 टीस्पून अर्के गुलाब जाएगा, 1/2 टीस्पून ही इसमें लेमन जूस हम शामिल करेंगे। लेमन जूस जो है इसकी क्लेंजिंग करेगा जल्द की स्किन की, अगर कोई मसाम पोर बंद है तो उसे खोलेगा और ब्लीच करेगा। ये नेचुरल जो है आपकी स्किन के ऊपर एक ख़ास किस्म की सफाई करेगा। और एलोवेरा आपको पता है एलोवेरा के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, जिसके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है मॉइस्चराइज रहती है। दोस्तों अर्के गुलाब आपको पता है हमारा जो नेचुरल जो है मॉइस्चराइज़र है, इससे आपकी एक जो सेंसेशन अच्छी आएगी, खुशबू आएगी जिस्म में से। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बेसन है, 1 टीस्पून के करीब मैंने बेसन लिया हुआ है। दोस्तों कोशिश कीजिएगा आपने ये खालिस लेना है, मैदा मिक्स वाला आपने नहीं लेना। तो ये जो है आपकी जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर चिकनाई है उसे ये जज़ब करेगा, फालतू चिकनाई जितनी भी जज़ब कर लेगा। अच्छा ना दोस्तों इसे आप रेडी करते हैं। सबसे पहले बेसन ले लें, इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब लेमन जूस शामिल करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब एलोवेरा जेल शामिल कर दें। हाफ टी स्पून इसमें हम एक गुलाब शामिल करेंगे। उसके बाद सही मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो इसके इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जस्ट आपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लेना है, खुशक कर लेना है। उसके बाद आपने ये पेस्ट लेकर आपने अच्छे तरीके के साथ जिस जगह के ऊपर आपके चिकनाई है उस जगह के ऊपर आप स्किन के किसी भी पार्ट पे आप लगा सकते हैं। इस तरह आपने इस तरह लेप कर देना है, मैं आपको हाथ पे करके दिखा रहा हूँ। रात को भी आप ये कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ के कर सकते हैं, तो इससे बहुत आपको फर्क पड़ेगा। आपने इसे लगाना है अच्छे तरीके से, रब कर लेना है। रब करने के बाद आपने आधे घंटे से 1 घंटे तक चेहरा नहीं धोना। जब ये खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने अच्छे तरीके के साथ साबुन के साथ, अच्छा जो ब्यूटी सोप होता है उसके साथ आपने इसे धो लेना है, और फिर अच्छे तरीके से चेहरे को खुश्क कर लेना है। आपकी जितनी भी फालतू चेहरे के ऊपर चिकनाई है, पिंपल्स हैं, कील मुहासे हैं, पीप वाले दाने, और जितनी भी आपकी डल स्किन है, डार्क सर्कल पड़े हुए हैं और छाइयाँ पड़ी हुई हैं, काले निशान हैं जिल्द के ऊपर, सारे जो है निशान स्पॉट्स को दूर करेगा और हाईली रिकमेंड है। तो मैंने इसे यूज़ किया काफ़ी देर, तो मैंने इसके रिजल्ट्स अच्छे देखे हैं, तो मैं अब आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों ऐसे लोग जो चिकनाई चिकनी जल्द वाले हैं, जो पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं, चिकनाइयाँ बहुत खाते हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है एलोवेरा और बेसन का जो है पेस्ट या मास्क पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मैं आपको कुछ भी बताता हूँ, सारे हर्बल बताता हूँ, वो जल्द के ऊपर किसी किस्म की कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता,
बैड फैट्स नहीं डालता। और अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो कमेंट्स के अंदर अपना जो है क्यूरी लिख दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।